ट्रेन 18 को काफी धूमधाम से लॉन्च किया गया था। हालांकि तकनीकी और इंजीनियरिंग के अलावा अन्य कारणों से ट्रेन का निर्माण बंद हो गया है। भारत में बनी इस अत्याधुनिक ट्रेन का डिजाइन ड्राइंग बुक से ट्रैक तक सिर्फ 18 महीने में पहुंच गया। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है और इसे तेजी से इंटरसिटी ट्रेनों की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस वीडियो में आपको ट्रेन 18 प्लेटफॉर्म पर बनाए गए डबल डेकर ट्रेन सेट की संभावना के बारे में बताया जाएगा। भारत में 1975 से डबल डेकर ट्रेनें चल रही हैं। ट्रेन 18 बेसिकली एक LHB ट्रेन है। यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रैक्शन माउंटेड बोगियों से लैस है। भारतीय रेलवे की अनुसंधान और इंजीनियरिंग शाखाओं ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाली LHB डबल डेकर कारों का निर्माण कर लिया है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावित स्पीड वाली डबल डेकर ट्रेन 18 को डिजाइन करना भी अब कोई मुश्किल बात नहीं लगती। ये तो आम जानकारी है कि डबल डेकर ट्रेनों में अधिक मुसाफिर सफर कर सकते हैं। जहां सिंगल डेकर कार में 78 पैसेंजर्स ही सफर कर सकते हैं, वहां ये डबल डेकर एक कार में लगभग 120 यात्रियों को ले जा सकती है। इस तरीके की ट्रेनों को पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर जैसी नई ग्रीनफील्ड रेल प्रोजेक्ट्स में बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि इन डबल डेकर फास्ट इंटरसिटी ट्रेन्स में कुछ संभावित कमियां भी हैं। आमतौर पर डबल डेकर ट्रेन का एक्सल लोड उसके स्ट्रक्चर और अधिक क्षमता के कारण ज्यादा होता है। इसकी ऊंचाई हवाओं को पार करने के प्रतिरोध को कमजोर करती है। लेकिन फिर भी दुनिया की कई हाई स्पीड ट्रेन्स में डबल डेकर वर्जन्स हैं, जैसे कि फ्रांस की ये डुप्ले TGV। यही कारण है कि एक डबल डेक हाई स्पीड के लिए अनुचित नहीं है। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये और इस चैनल के अन्य वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।